आज हम बनाएंगे एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी, वो भी स्प्राउट से। जो लोग हेल्दी खाना पसंद करते हैं और सुबह के नाश्ते में कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं, उनके लिए स्प्राउट डोसा बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम चार टाइप के दाल को रात भर भिगा के फिर उसको छान के एक कपड़े में बांध के रखे थे ताकि ये अंकुरित हो सके। 24 आवर्स में ये अंकुरित हो जाता है और अंकुरित दाल प्रोटीन से भरपूर होता है। अब इसकी डोसा बनाने के लिए पहले हम एक जार में स्प्राउट को डालेंगे। अब इसमें 2 हरी मिर्च और अदरक डालेंगे और 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। अब इसी के साथ ही हम 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा ही पानी दे के हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद भी ये थोड़ा सा ही दरदरा रहेगा, लेकिन हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और उसमें थोड़ा सा ही पानी दे देंगे, क्योंकि हमें ये बैटर ज़्यादा थिक लग रहा है तो उसमें थोड़ा सा ही पानी दे के हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये बैटर को ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे। अब देखिए इतना ही ठीक रहेगा। अब चलते हैं गैस के तरफ। अब एक पैन हीट करेंगे, उसमें ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगाने के बाद जैसे डोसा बनाते हैं वैसे ही हम एक थोड़ा सा पानी दे के एक कपड़े की मदद से उसको पोंछ लेंगे पानी को। अब पैन में 1 चम्मच बैटर रखेंगे और उसको फैला लेंगे। अब थोड़ी देर वेट करेंगे, 1-2 मिनट के बाद फिर उसके ऊपर हम ऑयल स्प्रिंकल कर लेंगे। अब इसके ऊपर कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और प्याज धनिया पत्ता को हमने काट के उसमें थोड़ा सा ही नमक छिड़क के फिर उसको मिक्स करके इसके ऊपर ही डाल देंगे। अब इसके साइड में थोड़ा सा ऑयल दे देंगे ताकि ये पलटते टाइम प्रॉब्लम ना हो। अब इसके ऊपर हमने जो प्याज डाले थे थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे ताकि ये भी पलटते टाइम निकल ना जाए। अब देखिए इसको धीरे से ही हम नीचे से निकाल के फिर पलट लेंगे। अब एक साइड अच्छे से क्रिस्पी हो गया तो दूसरा साइड भी पलट लेंगे और ऊपर के साइड थोड़ा सा ही ऑयल लगा देंगे। ये डोसा बहुत ही सॉफ्ट है, लेकिन इसको उलट पुलट करते टाइम ये टूटता नहीं है, तो उसमें बेसन या चावल का आटा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक डोसा बन के हमारा तैयार है। अब इसको पैन से निकाल देंगे और दूसरा भी जैसे हम पहले वाले बनाए थे थोड़ा सा ऑयल लगा के फिर उसमें पानी डाल के कपड़े की मदद से उसको पोंछ लेंगे और 1 चम्मच बैटर दे के उसको फैला लेंगे। और जैसे कि हम ऊपर प्याज और धनिया पत्ता और हरी मिर्च डाल रहे हैं, अगर आप चाहें तो इसको वो बैटर में मिक्स करके ही पूरा डोसा बना सकते हैं। अब देखिए देखने में अच्छा लगता है इसलिए हमने ऊपर ही डाले हैं और ये खाने में भी थोड़ा सा टेस्ट में अलग लगता है। अब डोसा बन के हमारा तैयार है। आप इसको दही और चटनी के साथ परोस सकते हैं और इस स्प्राउट को एक बार बना के 10-12 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें से तरह तरह के ब्रेकफास्ट बना सकते हैं। और ये इंस्टेंट ब्रेकफास्ट रेसिपी अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं और एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।